नमस्कार, आप सबका आपकी चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे एक स्टॉक के बारे में जिसमें एक वीसीपी पैटर्न बना है, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके पहले हम इंडेक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर कि इसमें किस तरह से स्ट्रक्चर बना है, अभी क्या हो रहा है, क्योंकि काफी टाइम से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का हमने देखा नहीं है। तो आज क्या है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे एंड लास्ट में हम वो स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो निफ्टी में आप देखेंगे तो लास्ट 3 दिन से आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग हो रही है एंड क्लोजिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप देख रहे हो यहां पे एंड आप यहां पे देखेंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग यहां पे क्लोजिंग दिखाई दे रहा है, क्लियरली स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, फॉलो थ्रू कैंडल भी मिला है। तो क्या अभी ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसको समझने के लिए मैं इसको अभी हटा देता हूं एंड हम चले जाते हैं पास्ट, जो एक स्विंग बना था वहां पे हम चले जाते हैं। यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं यहां पे अब आप यहां पे देखेंगे, यहां पे ध्यान से देखेंगे तो यहां पे क्या हुआ था, आप ध्यान से देखेंगे यहां पे भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था, राइट। आप देखेंगे जो यहां पे हाई लगा था 18,600 के आसपास एंड 18,600 ब्रेक कर दिया था, राइट। एंड उसके बाद आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग भी हुआ था उसके बाद, बट नेक्स्ट डे एंड उसके बाद आप देख सकते हो किस तरह से यहां पे नीचे की ओर स्लाइड हो गया था, राइट। एंड उसके बाद आप देख सकते हो किस तरह से मूवमेंट आई थी इंडेक्स में, राइट। तो ये बड़ा एक फेज आया था जो आप देख सकते हो 4-5 मंथ्स का, अराउंड दिसंबर 2022 से लेके अराउंड मार्च मंथ, राइट। तो 3-4 मंथ अगेन एक पोज आ गया था, वहां पे एक डाउन टर्न स्टार्ट हो गया था एंड वही चीज आप देखेंगे तो यहां पे वापिस इसी जगह पे यहां पे हो रही है। मैं वही चीज आपको यहां पे दिखा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा ही डीप जाएगा, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हो काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, क्लियर ब्रेकआउट यहां पे विजिबल है, बट यहां पे संभाल के चलना चाहिए, थोड़ा सा यहां पे कंसोलिडेट कर सकता है एंड अभी आप देखेंगे तो ये अच्छा सा सपोर्ट एरिया है, ये एरिया जो मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, जो ये एरिया जो यहां पे आप देख रहे हो ये अच्छा सपोर्ट है 18,800 टू 18,900 के आसपास। तो वहां पे अगर स्टॉप होता है, सस्टेन करता है तो काफी अच्छा होगा एंड उसके बाद लास्ट जो आप देखेंगे तो सपोर्ट 18,600 के आसपास है एंड उसके नीचे अगर स्लाइड होता है तो ये वीक हो जाएगा एंड और नीचे मूव कर सकता है टुवर्ड्स 18,000 एंड टुवर्ड्स 17,800। तो ये आप देख सकते हो डिफरेंट लेवल, अभी के हिसाब से चार्ट स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट 18,800 18,900 के आसपास है, उसके बाद 18,600 एंड अगर वो ब्रेक होता है तो यहां पे आपको और 500-700 पॉइंट डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है, मतलब यहां पे ओके ये लेवल 18,000 लेवल आपको तभी मिलेगा जब ये 18,600 लेवल ब्रेक होगा, राइट। अगर ये सस्टेन हो जाता है यहां पे, मतलब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, इस लेवल पे सस्टेन हो जाएगा तो यहां से वापिस ऊपर जा सकता है, अगर नहीं होता है तो यहां से वापिस आपको नीचे की ओर स्लाइड होता हुआ आपको दिख सकता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें आने वाले टाइम में, क्योंकि काफी स्ट्रेट मूव आपको देखने को मिला है तो थोड़ा सा एक पोज आ सकता है या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखें, ये निफ्टी का हमने डिस्कशन करा, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में भी
काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मार्क करके आपको दिखा था वो, ये दोनों जो लेवल मार्क करे हैं वो दोनों को क्रॉस करके अबोव, उसके अबोव यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, राइट। एंड ये सारी चीजें आप हटा देंगे तो भी आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करके आपको दिखा था वो, तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हो यहाँ पे, तो जो ये बॉक्स का अपर जो लाइन है वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, विच इज 44,400 के आसपास, राइट। एंड अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे जो बॉक्स का नीचे का जो लाइन है अराउंड 43,300 के आसपास, सो ये ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट्स यहाँ पे डीप जा सकता है अगर ये 44,400 के नीचे स्लाइड होता है तो, राइट। तो ये रेंज में ट्रैवल कर सकता है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो काफी टाइम से इसी रेंज में है। एंड अगर ये रेंज ब्रेक करता है 43,300 तो और नीचे स्लाइड हो सकता है 42,000-41,500 की ओर मूव हो सकता, बट ओवरऑल अभी स्ट्रॉन्ग सिनारियो है, हम लोअर लेवल की इसलिए बात कर रहे हैं। बाय चांस अगर यहां से रिवर्स होता है तो आपको समझ में आए कहां पे सपोर्ट एरिया है, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। अपर साइड आप देख सकते हो यहां पे काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, अगर सस्टेन रहता है तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 46,000-47,000 की ओर मूव कर सकता है। तो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू। अब हम समझते हैं आज का जो स्टॉक है उसके ऊपर, तो हम क्या है कि पहले उसका फंडामेंटल देखेंगे। स्टॉक का नाम है क्वांटम पेपर लिमिटेड, ओके, आपको स्क्रीन पे यहां पे दिखेगा क्वांटम पेपर लिमिटेड 192 के आसपास यहां पे ट्रैवल कर रहा है, ट्रेड कर रहा है वहां पे। उसका आप देखेंगे यहां पे तो सारी चीजें, काफी सारी चीजें यहां पे अच्छी दिख रही है। कंपनी क्या है कि डेप टू इक्विटी प्रॉपरली है, यहाँ पे स्टॉक का पी आप देख सकते हो। यस, यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री साइक्लिक यहाँ पे आपको दिखेगा, बट यहाँ पे आप उसका चार्ट भी देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है। उसके अलोंग आप उसका प्रॉफिट देखेंगे लास्ट कुछ सालों का, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो जो कोविड के बाद जो काफी सारा जंप आया है उसमें आप देख सकते हो, राइट। ओवरऑल काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है कंपनी, आप देख सकते हो उसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड रिटर्न टू इक्विटी भी आप देख सकते हो इंप्रूव हुआ है उसका। तो ओवरऑल इसका सिनारियो मुझे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे फंडामेंटल के बेसिस पे। एंड उसके बाद हम स्टॉक्स के टेक्निकल चार्ट हम देखने की कोशिश करेंगे। तो टेक्निकल चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वीसीपी पैटर्न बना है। अब जिन लोगों को नहीं पता है वीसीपी पैटर्न, मैंने बहुत सारे वीडियो पोस्ट करे हैं वीसीपी के रिगार्डिंग, आप चैनल में जाके सर्च करेंगे वीसीपी पैटर्न तो आपको बहुत सारे मेरे वीडियोस मिलेंगे, काफी सारे एग्जांपल के ऊपर डिस्कशन करा है, राइट। तो ये आप वहां से डिटेल में जाके सीख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन आप देखेंगे इस लेवल से यहाँ तक, यहां से यहां तक, मतलब मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे कॉन्ट्रेक्शन क्या है कि काफी अच्छा यहां पे हो रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे ब्रेकआउट हुआ है इस जगह पे एंड काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है, तो ये आने वाले टाइम में काफी अच्छा कर सकता है उसका, देखते हैं मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। आप यहां पे ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियरली एक प्रॉपरली ब्रेकआउट दिखेगा, जो 2022 अक्टूबर मंथ में हाई लगा था वो जाके अब ब्रेकआउट हुआ है। अब पहले आप यहां पे देखेंगे तो इस जगह पे यहां पे कोशिश करी थी, ब्रेक नहीं हुआ था, उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पे भी कोशिश करी थी बट ब्रेक नहीं हुआ था, मींस इस जगह पे, एंड अभी रिसेंटली यहाँ पे ब्रेक हुआ, मैं इसकी बात कर रहा था, इस लेवल पे यहाँ पे, एंड छोटी सी रेंज में
यहाँ पे ट्रेड कर रहा था एंड रेंज ब्रेक हुई है, तो काफी स्ट्रोंग ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। आप सपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे 170 के आसपास एक अच्छा सा सपोर्ट है, तो ये आने वाले टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आप इस स्टॉक को आप क्या है कि आने वाले टाइम में वॉच कर सकते हो, जिसमें एक आपको अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। तो ये था आज का स्टॉक। आपको आज का स्टॉक कैसे लगा एंड जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं आपको कैसे लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी नई अपडेट्स आएगी तो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।